हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकर। इस वक्त आपको यशोधरा राजे सिंधिया का एक ट्वीट दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में जो उनका आवास है, उनका घर है, वहां से निकले, खुद ड्राइव करते हुए निकले। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए। हैप्पी होली, खुद ड्राइव कर रहे हैं। आपने 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 ये मीडिया कर्मियों को, दुनिया को हैप्पी होली विश कर रहे हैं। बुआ इन्हें बधाई दे रही हैं। बुआ यानी यशोधरा राजे सिंधिया क्या कह रही हैं? ये वसुंधरा राजे सिंधिया की छोटी बहन है। उन्होंने क्या लिखा है और क्या कहा है, पहले ये सुन लीजिए। तो आज बड़ी खुशी है, मैं अपनी बहन से भी बात कर रही थी, वसुंधरा राजे। तो हम यही कह रहे थे कि अम्मा जब उगता हुआ सूरज पे माधवराव सिंधिया लड़े ग्वालियर से, तो आपको याद होगा, शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस टाइम, पर लोगों को याद है कि जब उगते हुए सूरज से महाराज लड़े थे, तो अम्मा ने और पूरी बीजेपी ने बहुत समर्पित ढंग से उनके अगेंस्ट कोई किसी को नहीं लड़ाया। तो वो ही क्रम में आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हैं कि घर वापसी है। जनसंघ से माधवराव सिंधिया की का सफर शुरू हुआ, राजनीतिक सफर, और आज उनके बेटे से वापिस घर वापसी हुई, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस में क्यों उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपमानित हो रहे हैं, डिसीजन क्यों हो रहा है? आप खुद ही बोल रहे हो, आप खुद ही बोल रहे हो। क्या कहना उस पे? हाँ, कहीं ना कहीं तो था, नहीं तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाते? लेकिन आदमी को आत्म सम्मान ही चाहिए इन द एंड। आत्म सम्मान की रक्षा हम लोग सब करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या बीजेपी ने पहचान? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आत्मसम्मान की रक्षा कौन नहीं करता, और ये आत्मसम्मान जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग दिशा में एक ही पार्टी में जा रहे थे, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया फैसला। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।